नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइफ क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि मेडिवल हिस्ट्री का ये सेकेंड पार्ट होगा और भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने पूर्व मध्यकाल में जितने भी भारत में राजवंश थे गुप्त काल के बाद, ठीक है, जैसे कि दक्षिण भारत में पल्लव वंश, चोल वंश और पांडे वंश, ठीक है, ये सब राष्ट्रकूट वंश ये सब थे, ठीक है। इसके बाद इधर उत्तर भारत में बहुत सारे वंश थे, ये सब बारे में हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। आप चाहें तो पार्ट वन देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट टू है, इसमें हम पढ़ेंगे भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए, ठीक है, जिसमें कि अरबों का आक्रमण हुआ, जिसमें पहले बार सफल आक्रमण जो किया 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो हम पहले मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। और जितने लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे एक बार मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर स्टडी से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे, जो कि यूपीएससी, एसएससी और जिस रेलवे, बैंक, जिस जॉब की भी आप तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम की, ठीक है, उसमें आपको सहायता करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मुस्लिम था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम अरब मुस्लिम था, मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ये अरब से आया हुआ था, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक जो था वो दाहिर था, ठीक है। पहली बात तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो अरब मुस्लिम था, ठीक है। और उस समय जो जब इसने आक्रमण किया था उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर। दाहिर जो था वो हिंदू राजा था, ठीक है। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर है जो हिंदुओं पर लगाया जाता था, ठीक है। जजिया कर को सर्वप्रथम ख़त्म किया था अकबर ने, ठीक है। अकबर ने ख़त्म किया था, उसके बाद फिर से औरंगजेब ने लगा दिया था, ठीक है। फिर से एक और मुग़ल शासक था, ठीक है, जो कि आराम शाह, ठीक है, रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, उसने ख़त्म किया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस पर। ब्रह्मगुप्त जो था उसके द्वारा लिखित ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खाद्य का अरबी में अनुवाद भारतीय विद्वानों की सहायता से अल्फ हाजरी ने किया, ठीक है। ब्रह्म सिद्धांत का अरबी नाम क्या है? इल्म उल साहिब रखा गया। यह बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि ब्रह्मगुप्त जो है उसने लिखा था ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खाद्य, जिसका कि अरबी में इसने अनुवाद करवाया भारतीय विद्वानों की सहायता से अल्फ हाजरी ने किया था, अल्फ हाजरी, ठीक है। और इसका अरबी नाम इसने क्या रखा? इल्म उल साहिब, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। खगोल शास्त्र पर आधारित पुस्तक जो किताब उल जिज की रचना भी अल्फ हाजरी ने की थी। अल्फ हाजरी बहुत ही अच्छा विद्वान था अरब का, ठीक है, जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ ही आया था, ठीक है। और इसने किताब उल जिज की रचना भी की जो कि खगोल शास्त्र पर आधारित है। किताब फुतुल अल बदलाल बदलाल, ठीक है, इसका लेखक जो है बिलादुरी था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद भी कराया। पंचतंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक जिसके की रचनाकार जो हैं विष्णु शर्मा है, ठीक है। हिंदी का भी क्वेश्चन हिंदी में भी पूछता है, ठीक है, हिंदी साहित्य का ये पुस्तक है, ठीक है, पंचतंत्र, जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे कहानियाँ हैं, बच्चों को बहुत ही प्रिय लगते हैं, ठीक है। इसको विष्णु शर्मा ने लिखा है। इसका अरबी में अनुवाद जो है कलिलाह वा दिमना और कलिया वा दिमना कहलाता है, ठीक है। अरबी में अनुवाद जो है कलिलाह वा दिमना या कलिया वा दिमना कहलाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध व मुल्तान, ठीक है, वहमना दशाह आदि को जीता, किंतु वे अधिकार आगे नहीं बढ़ा सके, ठीक है। आगे नहीं बढ़ सका क्यों? क्योंकि इसके बाद अरब का जो सुल्तान था, ठीक है, एक तरह से गवर्नर कह सकते हैं, उसने इसको वापस बुला लिया फिर से, ठीक है, क्योंकि उसी ने इसको भेजा था। असल में इसको भेजा क्यों था, इसके पीछे कहानी है। उसके जो जहाज़ थे, ठीक है, सोने से भरे हुए या कुछ माल, मतलब सामान भरे हुए जा रहे थे, और कुछ लुटेरों ने लूट लिया था उसके जहाज़ को गवर्नर की। तो राजा दाहिर से उसने प्रार्थना की कि मेरे जहाज़ों को किसी ने लूट लिया, आप मेरी सहायता कीजिए, उसको दंड दीजिए। श्रीलंका से वापस आ रहे थे, ठीक है। तो राजा दाहिर ने कहा भाई हम क्यों कहें, ठीक है, तो बुरा मान गया गवर्नर, इसलिए उसने कहा एक तरह से यह भी एक कारण है, और ऊपर से यह भी कारण है कि
वो लोग इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे, क्योंकि आप लोगों को पता है मोहम्मद साहब जो थे 622 ईस्वी में हिजरी सनवत का शुरुआत हो चुका था, ठीक है, और जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे लोग, तो अलग अलग देशों में जाने लगे, ठीक है, तो भारत पर भी आक्रमण हुआ इसी उपलक्ष्य में, ठीक है, बहुत सारे इसके कारण थे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो तुर्कों का आक्रमण इसके बाद हम लोग देखते हैं, अरबों के बाद भारत पर तुर्कों ने आक्रमण किया, तो सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ था, ठीक है, जो कि सबसे पहले मुहम्मद बिन कासिम ने सफल आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। उसके बाद तुर्कों का आक्रमण शुरू होता है, तुर्कों का आक्रमण जो है अलप्तगीन जो था गजनी साम्राज्य व यामिनी वंश या गजनी वंश का संस्थापक था, ठीक है, अलप्तगीन। उसके बाद सुबुक्तगीन जो था वो दास था एवं दामाद था, किसका, अलप्तगीन का। अब अलप्तगीन जो था वो शासक था गजनी वंश का या यामिनी वंश दोनों कहते हैं, उसी का दास और दामाद दोनों था, कौन, सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन ही पहला तुर्क शासक था भारत पर आक्रमण करने वाला, पहला तुर्क शासक, ठीक है, पहला तुर्क शासक महमूद गजनवी नहीं है, पहला तुर्क शासक भारत पर आक्रमण करने वाला सुबुक्तगीन था, ठीक है। उसके बाद जो है महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, ठीक है, उसके बाद महमूद गजनवी ने सुबुक्तगीन का जो कि पुत्र था उसने, महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो यह भारत से आक्रमण करके धन संपदा लूट करके भारत से वापस तुर्क ले जाना चाहता था, ठीक है। तुर्क लोग कहाँ से थे, अधिकतर अफगानिस्तान के आसपास के इलाकों से थे, ठीक है। चलिए, सुल्तान की उपाधि तुर्की शासनों ने प्रारंभ की थी, ठीक है, इसे यह उपाधि बगदाद के खलीफा ने प्रदान की थी, बगदाद जो कि इराक की राजधानी है, ठीक है, वहाँ के खलीफा ने इसको सुल्तान की उपाधि दी थी, ठीक है। सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला शासक भी कौन था, महमूद गजनवी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसा कौन सा शासक था जिसको सबसे पहले सुल्तान की उपाधि मिली थी, तो महमूद गजनवी को किसने दिया था, तो बगदाद के खलीफा ने, ठीक है। चलिए, तुर्क शासकों ने ही इसको प्रारंभ किया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के क्या कारण रहे होंगे, ठीक है, तो महमूद गजनवी के आक्रमण के बहुत सारे कारण थे, जिसमें कि पहला था अपने राज्य की सुरक्षा हेतु शाही वंश पर आक्रमण करना, दूसरा राज्य विस्तार एवं अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए धन की आपूर्ति करना, अपने विरुद्ध भारतीय राजाओं को संगठित या दलबंदी करने का अवसर नहीं देना चाहता था, और सबसे मुख्य कारण यह था कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करना भी इसका एक गौण उद्देश्य था। सबसे मुख्य कारण तो यही था कि ये इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था, इसीलिए खलीफा ने इसको सुल्तान की उपाधि दी थी, और मुख्य कारण यह भी था कि ये लूटपाट करना चाहता था। चलिए, आक्रमण के परिणाम क्या हुए, तो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति में। मुस्लिम व्यापारियों के माध्यम से मध्य एवं पश्चिम एशिया के साथ भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई, मुस्लिम व्यापारियों के साथ इस्लाम प्रचारकों का भारत में प्रवेश हुआ, इसके साथ बहुत सारे आए थे, ठीक है, प्रचारक। लाहौर अरबी तथा फारसी साहित्य का केंद्र बना, इसके साथ अलबरूनी आया था, ठीक है, बहुत ही विद्वान, ठीक है, और बहुत सारे उसने पुस्तकें लिखी, मतलब इसके साथ बहुत सारे विद्वान भी आए थे। मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है, मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ यहीं से, यहाँ से भी हम कह सकते हैं एक तरह से। और जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तो वहाँ से मुस्लिम राज की नींव तो रख ही दी उसने, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत पे, उसने अपनी राजधानी तो लाहौर बनाया था, ठीक है, और जब इल्तुतमिश राजा बना तो उसने दिल्ली में अपनी राजधानी बनाया और वहाँ से अपना राज करने लगा, ठीक है। लेकिन गुलाम वंश या ममलूक वंश जो कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शुरू किया 1206 ईस्वी में, वहाँ से हम कह सकते हैं कि मुस्लिम शासकों ने शासन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। गजनवी के भारतीय आक्रमण देख लेते हैं, तो महमूद गजनवी के कुल 17 आक्रमण हुए, ठीक है, मुख्य मुख्य कौन से थे अभी मैं बताऊँगा। जैसे पहले हम 17 आक्रमण देख लेते हैं, पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र,
पेशावर, भंटिया, मुल्तान, मुल्तान पर दो बार आक्रमण किया, वैदेही जो पेशावर है, नारायणपुर, अलवर, अलवर जो आपका है राजस्थान में, मुल्तान पर तीन बार आक्रमण हो चुका, थानेश्वर, नंदन, कश्मीर, मथुरा व कन्नौज, ठीक है, कालिंजर, कश्मीर, कश्मीर पर दो बार हो चुका, ग्वालियर व कालिंजर, सोमनाथ मंदिर पर 16वां आक्रमण, उसके बाद सिंध के जाटों द्वारा ये मार दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, महमूद गजनवी का पहला आक्रमण हिंदू शासक जयपाल के विरुद्ध था, ठीक है। वह हिंद की पहली लड़ाई देख लीजिए कि जब महमूद गजनवी और जयपाल ने लड़ा था तो इसमें महमूद गजनवी की विजय हुई थी, ठीक है। और जब महमूद गजनवी की दूसरी लड़ाई हुई बहिंद की, ठीक है, उसमें महमूद गजनवी व आनंद पाल के बीच हुई, इसमें भी गजनवी की विजय हुई, ठीक है। चलिए, महमूद गजनवी ने 1015 में कश्मीर पर आक्रमण किया लेकिन असफल रहा, ठीक है। 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और शिव मंदिर को नष्ट कर दिया और अपार धन संपदा लूटी। यह आक्रमण चालुक्य वंश के शासक भीम देव या भीम प्रथम के समय में हुआ, ठीक है। चालुक्य वंश के शासक थे भीम देव या भीम प्रथम, उसके समय में सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था, शिव मंदिर को नष्ट कर दिया था। इसको यही कहा जाता है कि मतलब मंदिरों में जाता था और हिंदू जो देवी देवता थे, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं किया जाता है, इसीलिए यह क्या करता था, इस्लाम का प्रचार प्रसार करनी ही इसको भेजा गया था, ठीक है। इसीलिए यह हिंदू जो देवी देवता की मूर्तियां थी उसको नष्ट करता था, इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता था, ठीक है। तो इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी, इसीलिए यह हिंदू देवी देवताओं को मूर्तियों को तोड़ता था, ठीक है। तो शिव मंदिर को नष्ट कर दिया पूरी तरह से और सभी जो अपार धन संपदा थी उसको लूटा। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि महमूद गजनवी का भारत पर जो आक्रमण का उद्देश्य था केवल लूटपाट एवं धन प्राप्ति था। वह भारत में अस्थायी साम्राज्य स्थापित करने अथवा अपना साम्राज्य विस्तार के लिए भारत नहीं आया था, ठीक है। तर्क क्या दिया जाता है कि महमूद विजित प्रदेशों में अस्थायी रूप से नहीं रहता था, वह बार बार गजनी लौट जाता था। महमूद गजनवी जो था ने न तो विजित प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाया और न ही विजित प्रदेशों में कुछ अस्थायी बंदोबस्त किया, ठीक है। महमूद गजनवी भारत से धन लूटकर मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, ठीक है। मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, वो चाहता था कि भारत बहुत धनी देश था उस समय, सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। उस समय भारत की GDP 25-30% थी, ठीक है। मतलब अगर पूरे विश्व में 100 रुपया हो तो उसमें से अकेले भारत का 30 रुपया रहेगा, ठीक है, यह मतलब होता था। तो वह चाहता था कि भारत से पूरा पैसा ले करके, ठीक है, लूट करके, और मंदिरों में ही अधिकतर पैसा होता था तो लूट करके कहाँ जाए, वो चाहता था कि पूरे मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना की जाए, वहाँ से मैं पूरा एक अच्छे विशाल साम्राज्य की स्थापना करूँगा, वहाँ से पूरा शासन चलाऊँगा, ठीक है। यह उसकी एक सोच थी, यह तर्क दिया जाता है, ठीक है। अब ये तो उसका सोच रहा होगा, ये विद्वान लोग कहते हैं, इतिहासकारों का ये तर्क है, ठीक है। अब पता नहीं क्या रहा होगा, ठीक है। गजनवी ने मथुरा के कई मंदिरों को तोड़ा और यह भारत का बेतलेहम कहा जाता था। गजनवी को भारतीय इतिहास में बुट सिकन या मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मूर्ति भंजक इसको कहा जाता है क्योंकि ये मूर्तियों को तोड़ता था। अलबरूनी इसके शासनकाल में भारत आया था, शासनकाल नहीं कह सकते, मतलब इसके साथ भारत आया था, क्योंकि इसका शासनकाल तो था नहीं भारत में, ठीक है, इसके साथ भारत आया था। इसने भारतीय भाषा के लेखक थे जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया, और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद की रचना की इसने, एक किताब उल हिंद जो है या तहकीक ए हिंद, यह आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यह पूरा डायरेक्ट आपको पूछ सकता है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो अलबरूनी है, ठीक है। फिरदौसी ने शाहनामा महाकाव्य की रचना की, जो कि इस्लाम धर्म में इसको मतलब ये महाभारत का ही दूसरा रूप है, ठीक है। शाहनामा ये महाकाव्य की रचना की फारसी कवि थे, ठीक है। किताब उल हिंद जो है इसकी भाषा जो है फारसी है, इसमें कुल अध्याय 80 है, इसको अलबरूनी ने ही लिखा है, ठीक है।
अंग्रेजी अनुवाद इसका एडवर्ड सी सचाउ ने किया है अल्बरूनी इंडिया के नाम से, एन अकाउंट ऑफ रीजनल नाम से, ठीक है। हिंदी अनुवाद इसका रजनीकांत शर्मा ने किया है। विषय इसका भारतीय समाज एवं संस्कृति, ठीक है। किताब उल हिंद में भारतीय जलवायु, भारतीय स्थिति, मुद्रा प्रणाली, मापतौल, भारतीय समाज, रीति रिवाज, त्यौहार, उत्सव, खान पान, वेशभूषा, वर्ण व्यवस्था, वेद वेदांत, दर्शन, पुराण, शास्त्र, धर्म आदि के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है उस समय के बारे में, ठीक है। उस समय जितने भी रीति रिवाज होते थे, मुहम्मद गजनवी जब भारत आया था तो उस समय जितने भी रीति रिवाज होते थे भारत में, त्यौहार मनाए जाते थे, उत्सव, खान पान, वेशभूषा कैसी थी, वर्ण व्यवस्था थी कि नहीं, वेद वेदांत, दर्शन, पुराण, शास्त्र, धर्म, इन सब बारे में उसने अच्छी तरह से अपने पुस्तक किताब उल हिंद में लिखा हुआ है या तहकीके हिंद में। और बहुत ही अच्छा ये स्रोत है भारत के इतिहास को जानने के लिए, मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए, ठीक है। किताब उल हिंद में भारतीय राजनीतिक स्थिति के बारे में नगण्य लिखा है, लेकिन भारतीय राजनीति के बारे में इसने कुछ नहीं लिखा है। या तो सामाजिक स्थिति के बारे में लिखा है, ठीक है, सामाजिक स्थिति के बारे में इसने अच्छी तरह से लिखा है कि समाज में कैसे लोग रहते हैं, ठीक है। चलिए मोहम्मद गौरी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, मोहम्मद गौरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इसका उद्देश्य था भारत पर राज करना, ठीक है। और इसके दो जो थे गुलाम, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी तो खैर नहीं, लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने यहाँ पर राज किया, ठीक है, और वहीं से मुस्लिम शासक की नींव रखी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको। चलिए मोहम्मद गौरी जो था वो अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद गौरी कबीले की स्थिति मजबूत हो गई थी। आपको पता है महमूद गजनवी जो था, सुबुतुगीन जो था उसका, अलप्तगीन जो था गजनी वंश का जो शासक था, सुबुक्तगीन दामाद या दास था, उसी का पुत्र था महमूद गजनवी। और जब गजनी वंश का पतन होने लगा, मतलब महमूद गजनवी का पतन होने लगा, गजनी वंश जिससे महमूद गजनवी था, तो अफगानिस्तान में ही गौरी कबीला एक था, उसकी स्थिति मजबूत हो गई और मोहम्मद गौरी इस कबीले का शासक बना, ठीक है। मोहम्मद गौरी संसबानी वंश का शासक था, ठीक है। यह पूछता है कि किस वंश का शासक था, तो संसबानी वंश का शासक था। और किस कबीले का शासक था, तो गौरी कबीले का, ठीक है। और इसकी स्थिति मजबूत हुई गजनी वंश का जब पतन हुआ, मतलब महमूद गजनवी का जब पतन हो गया, ठीक है। उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी रहे होंगे वो लोग अच्छे से नहीं अपने शासन की बागडोर संभाल पाए होंगे, इसीलिए उसका पतन हो गया होगा, ठीक है। तो गौरी कबीला जो था उसकी स्थिति मजबूत हुई और इस कबीले का शासक मोहम्मद गौरी बना, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की जाए, और ये अपने उद्देश्य में सफल हुआ, ठीक है। भारत पर इसका प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर था, लेकिन यह बहुत बार हारा, ठीक है, यह बहुत बार हारता रहा, लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी, यह बार बार आक्रमण करता रहा। जैसे 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया, 1178 में फिर से इसने गुजरात आक्रमण में गुजरात के शासक भीम द्वितीय को हराया। गुजरात के जो शासक थे भीम द्वितीय, उसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया बहुत बुरी तरह से, लेकिन यह हार गया। लेकिन सबसे बुरी बात यह है हमारे भारत में कि जब हरा देते थे तो मारते नहीं थे उसको, यहीं पर मार देते। अगर भीम द्वितीय या पृथ्वीराज चौहान ने भी इसको हरा दिया था तो मार देते, तो फिर से यह नहीं हराता ना, तो यह सबसे बुरी बात थी, ठीक है। और यह पलट कर फिर से वार करता था और जीत जाता था, ठीक है। भीम द्वितीय ने हरा दिया गुजरात आक्रमण के समय। और तराइन का युद्ध देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, 1191 में पृथ्वीराज द्वितीय जो थे या पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। तो पहला जो प्रथम युद्ध था तराइन का, उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, द्वितीय जो था उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, ठीक है। यह मैंने पढ़ा दिया है, 1192 में हुआ था द्वितीय। मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। मोहम्मद गौरी जो थे जिसका उद्देश्य ही था कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करना, ठीक है, उसी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है,
ठीक है, यह क्वेश्चन बार बार पूछता है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो मुहम्मद गोरी। ठीक है, चंदावर का युद्ध इसने जयचंद के बीच लड़ा था, ठीक है, और जयचंद की इसमें हार हुई थी। जयचंद वही जयचंद है जिसकी पुत्री संयोगिता के साथ, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था, और तब जयचंद जो था बुरी तरह से जो है आग बबूला होकर के और मुहम्मद गोरी का साथ दिया था और पृथ्वीराज चौहान को हराया था, ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में, ठीक है, और फिर से इसने इसी के साथ युद्ध करके जयचंद को हरा दिया, ठीक है, तो जयचंद वही जयचंद है। मुहम्मद गोरी भारत में गोमल दर्रे को पार करके आया था, ठीक है, और कन्नौज विजय के पश्चात मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी तथा मोहम्मद गोरी का नाम मोहम्मद बिन साम अंकित था। तो यह क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद गोरी का और कौन सा नाम था, तो मोहम्मद बिन साम भी नाम था। मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को हानि पहुँचाई थी। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, UPSC प्री के एग्जाम में भी पूछा गया था। इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को पूरा जला दिया था बख्तियार खिलजी ने, जो कि मोहम्मद गोरी का ही सेनापति था, और धर्मपाल का जो बंगाल के शासक थे उन्होंने बनवाया था, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, उसको भी इसने जला दिया था, ठीक है, बिहार में जो था नालंदा विश्वविद्यालय उसको जला दिया था, और बंगाल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि शिक्षा के बहुत अच्छे केंद्र थे दोनों, इन दोनों को उसने जला दिया था, और बहुत सारी लाइब्रेरियां थी, ठीक है, किताबें बहुत सारे सबको जला के खाक कर दिया था, ठीक है, बहुत सारी जनधन की हानि हुई थी और बहुत सारा नुकसान हुआ था। 1206 ईस्वी में खोखरों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी, ठीक है, जब यह लौट रहा था, ठीक है, अपने वतन लौट रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना साम्राज्य सौंप करके कि मैं आऊँगा अभी बाद में अपना साम्राज्य चलाऊँगा, तो लौट रहा था, तो लौटते वक्त क्या हुआ, खोखरों ने इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तुर्की आक्रमण के विरुद्ध राजपूत राजाओं के हार के क्या कारण रहे होंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तुर्की आक्रमण के पूर्व भारत अनेक राज्यों में विभाजित था, अतः राजनीतिक एकता की कमी थी एवं केंद्र शासित का अभाव था, केंद्र शक्ति थी नहीं उस समय, इसीलिए छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था भारत में, जो राज्य थे छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, ठीक है, एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी जैसे बाद में हुई मुगलों की हुई, ठीक है, एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी जैसे हर्षवर्धन के टाइम तक तो थी केंद्रीय सत्ता, ठीक है, और जैसे गुप्त साम्राज्य में था, ठीक है, मौर्यों के टाइम में था, ठीक है, महापद्म नंद के टाइम में तो नंद वंश का इतना मतलब केंद्रीय सत्ता थी, इतनी विशाल सेना थी कि सिकंदर के सेना भी सुनते थे तो कांप जाते थे, ठीक है, तो वैसी अब सेना रह नहीं गई थी, ठीक है, केंद्रीय सत्ता रह नहीं गई थी, ठीक है, इसलिए जो था हार का एक प्रमुख कारण बना, ठीक है, छोटे छोटे राज्यों में बट गए थे ये लोग। वर्ण एवं जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज कई वर्गों में विभाजित था और इसके कारण सामाजिक दुर्बलता थी, वर्ण व्यवस्था बहुत प्रबल हो चुकी थी, ठीक है, जाति व्यवस्था भी थी। राजपूतों में वंशगत श्रेष्ठता की भावना के कारण झगड़ालू प्रवृत्ति एवं अनेक सामाजिक बुराइयों का जन्म हुआ, ठीक है, यह भी आपसी झगड़ों में वृद्धि हो गई थी इसके कारण, ठीक है। भारतीय समाज में नियतिवादी तथा भाग्यवादी विश्वास के कारण समाज विदेशी आक्रमण तथा यातनाओं को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मांगने लगा और इस कारण जनसाधारण ने एकजुट होकर इसका प्रतिरोध नहीं किया। यह लोग मानते थे कि देखिए भारत में जो है लोग भाग्य को मानते हैं कि चलो भाग्य में लिखा है तो जो हो लिखा होगा वो हो रहा है, तो इसलिए लोग कुछ ज़्यादा करते नहीं थे, लोग आक्रमण जो कर रहे थे तुर्क हुए चाहे अरब के जो आक्रमण हुए, ठीक है, पहले अरब का किया मोहम्मद बिन कासिम, फिर तुर्क के किए, फिर गजनी का जो था उसने किया, ठीक है, तो ये सब जो आक्रमण हो रहे थे इन लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इन्होंने कहा जो लिखा हुआ है वह हो रहा है, ठीक है, तो ये लोग भाग्य पर ज़्यादा विश्वास करते थे इसलिए एकजुट होकर इन्होंने विरोध नहीं किया। तुर्की सेना की रणनीति अच्छी नस्ल के थे और हथियार के साथ आए हुए थे, ठीक है, राजपूतों की जुटाई हुई सामंती सेना राजा के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान नहीं होती थी, ठीक है। तुर्की आक्रमण के क्या प्रभाव थे, भारत में मुस्लिम राज की स्थापना हुई, भारत में सामंतवाद का ह्रास होने लगा एवं शक्ति का केंद्र राजा बन गया, संसार के काफ़ी देशों के साथ व्यापार बढ़ा, मुस्लिम समाज में भेदभाव नहीं था,
अतः राजपूतों के बाद समाज में भेदभाव में कमी आई। यह सब बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव पड़े। 12वीं शताब्दी में चरखा ईरान से भारत आया एवं कपड़े के उत्पादन को बढ़ावा मिला। इरफान हबीब ने इसको कहा है, ठीक है। तो चरखा कहाँ से आया था भारत में? ईरान से, ठीक है, 12वीं शताब्दी में। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चरखा अगर भारत में नहीं आता तो गांधी जी कैसे चलाते चरखा भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्थापत्य कला में परिवर्तन आने लगा। दिल्ली में सल्तनत की स्थापना से शहरी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि हुई। बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। सबसे जो बुरी बात थी कि मुसलमान जो थे वो धर्म परिवर्तन कराने लगे, ठीक है। बड़ी संख्या में हिंदुओं को क्या हुआ? मुसलमान बनाया गया। और जजिया कर लगाया गया तो अधिक से अधिक कर लगाया जाने लगा, तो कुछ हिंदू तो जान वैसे ही मुसलमान बनने की इच्छा प्रकट किए, ठीक है, और ज़बरदस्ती भी बनाया गया कुछ लोगों को। तो यह सब प्रमुख का प्रभाव रहे, ठीक है। अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।